जय श्री महाकाल। जब भी हम पूजा करते हैं तो उस समय पे हमें अपने घर के पूजा करते समय दरवाजे, खिड़कियाँ और कोई भी ऐसा जालीदार या रोशनदान आपके घर में हो तो उसको खोल दें। उससे क्या होता है कि जो घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बाहर जाती हैं और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश हम अपनी पूजा की एनर्जी से घर में लाते हैं। उस समय आप घंटी बजाएं, शंख बजाएं, चाहे आप सुबह पूजा करें, शाम को पूजा करें, आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम सारे खिड़की दरवाजे खोल लें, ऐसा नहीं है, आप घर में अपने घर का मेन डोर भी पूजा करने के बाद ज़रा सा खोल दें ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। और अगर आप पूरे दरवाजे खिड़की नहीं खोल सकते हैं तो कोई भी एक खिड़की खोल दीजिए या घर का दरवाज़ा खोल के रखिए। जिस समय पूजा करते हैं उस समय ये करना ज़रूरी है। आप जब आपकी पूजा हो जाए तब थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दें, उससे पहले भले ही ना खोलें, और उससे पहले घर की खिड़की या कुछ भी ऐसा जहाँ से हवा प्रवेश हो घर के अंदर, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, अपने घर में एक लाल बल्ब ज़रूर जला के रखें पूजा स्थान पर। तीसरा, आप अपने घर की नॉर्थ की वॉल पर एक लाल बल्ब अपने पितरों के नाम का जला के रखें, जिनके घर में किसी की डेथ हो गई है, पितर नहीं रहे, पितर परेशान करते हैं, सपने में दिखते हैं, तो नॉर्थ वॉल पर रेड कलर का बल्ब जरूर जलाएं। इससे आपके घर के पितर शांत रहेंगे। दूसरी चीज़, घर में तीन रोटियां हमेशा निकालिए। सबसे पहली रोटी आप निकालें पितरों की, दूसरी गाय की, और रात को तीसरी एक कुत्ते की रोटी ज़रूर निकालें। इन सभी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे इससे हमारे घर में अच्छी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। जय श्री महाकाल।